महाभारत वाले लोग अपने ही लोग थे, वो अपने ही समाज के लोग थे ज्यादातर, इतिहास ने नहीं लिखा। हम लड़ते थे, लिखने पे ध्यान नहीं देते, और 3 दर्जन से ज्यादा छोटे भाई शहीद हो गए। लेकिन दिल्ली और हरियाणा में बैठी सरकारों ने हमारी सुध नहीं ली कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जिसमें 72 गुर्जर शहीद हुए, उन्होंने पुलिस को भगाया, लेकिन हरियाणा के जाटों ने मिलिट्री को पीछे धकेल दिया, मिलिट्री को भगा दिया, अग्निवीर लाके हमें तंग करने का प्रयास किया कि शहीद का दर्जा भी दे देंगे और पेंशन भी दे देंगे। ये नौजवानों की हुंकार का ही परिणाम है। जब विनेश को ओलंपिक में खेलने नहीं दिया, जिसने लोकसभा के अंदर सरकार का बाजा बजाया, वो आपका भाई था, दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं बजाया था। कि चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री कितनी बार नहीं बनने दिया इन पार्टियों ने। भाइयों, हरियाणा जो इस देश का हार्ट है, दुर्भाग्य से जाट आरक्षण आंदोलन के समय जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे छोटे भाइयों पे गोलियां चलाई और 3 दर्जन से ज्यादा छोटे भाई शहीद हो गए, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में बैठी सरकारों ने हमारी सुध नहीं ली। तब अखबारों के अंदर छपा था कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जिसमें 72 गुर्जर शहीद हुए, उन्होंने पुलिस को भगाया, लेकिन हरियाणा के जाटों ने मिलिट्री को पीछे धकेल दिया, मिलिट्री को भगा दिया। ये देश के मीडिया के अंदर छपा था। जब कारगिल की लड़ाई हुई, उस कारगिल की लड़ाई के अंदर अमेरिका के एक अखबार ने छापा 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। तब भाइयों, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अभय सिंह जी से मेरे पारिवारिक रिश्ते, ये जो चश्मे का चुनाव चिन्ह है, मैं भी 2003 के अंदर चश्मे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा था, पहला मुंडवा विधानसभा क्षेत्र से, और मैं उस समय 2,500-3,000 वोटों से हार गया था, क्योंकि मेरे खिलाफ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने रोड शो किया था, मैं 2,500 से हार गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, 8 के अंदर वापिस विधायक बना, नई सीट बनी, और 13 के अंदर निर्णय जीत के वसुंधरा को चुनौती थी, और 13 के बाद किसान कर्ज माफ, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त को लेके नागौर की धरती से हुंकार भरी, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर पहुंचे। तब तक किसानों की 5 हॉर्सपावर की बिजली डरी हुई सरकार ने माफ करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और सशक्त लोकायुक्त की बात करी। भाइयों, कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी, तो नागौर, बाड़मेर की हुंकार रैलियों ने, जिनकी संख्या 7 लाख, 5 लाख और 8 लाख थी, उसने देश के अंदर एक अलग जगाई, और मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पर गोलियां खा के कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। हरियाणा जहां मैं खड़ा हूं, आज दुर्भाग्य से हमारे लोगों को जहां होना चाहिए, वहां हमारे लोग हरियाणा के अंदर नहीं है। दिल्ली की नजर लग गई हरियाणा के ऊपर। दिल्ली वाले कभी नहीं चाहते कि मजबूत हो। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जब हुआ था, जिसमें अभय सिंह जी ने MLA से इस्तीफा देकर संदेश दिया, लेकिन किसान आंदोलन के अंदर अगर त्याग और समर्पण किसी व्यक्ति ने दिल्ली की सत्ता को ठोकर मारी और सड़कों पर आया, वो नागौर का सांसद आपका भाई था, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा रहा, सरकार को झुकाया। जब अग्निवीर योजना आई, उस अग्निवीर योजना का विरोध किया, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, यूपी दिल्ली के किसान के बेटे आर्मी के अंदर जाते हैं। मोदी सरकार ने अग्निवीर लाके हमें तंग करने का प्रयास किया। भाइयों, उसके अंदर भी झंडे के साथ आंदोलन में कोई कूदा तो RLP का आपका भाई जो आपके बीच खड़ा है, ये कूदा और 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके संदेश दिया कि हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। डरी हुई सरकार ने कहा कि 50% को हम रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे,
तीन चार दिन पहले गृह मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि शहीद का दर्जा भी दे देंगे और पेंशन भी दे देंगे। ये नौजवानों की हुंकार का ही परिणाम है। जब हरियाणा की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर में बैठी थी, मैंने अभय सिंह जी से बात करी, मैं पहला सांसद हूं, मां दीपेंद्र हुड्डा नहीं गया था, हनुमान बेनीवाल उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले देश के अंदर जंतर मंत्र पे गया। जब बजरंग को गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल से छुड़ाने के लिए कोई व्यक्ति गया, वो आपके सामने खड़ा है। जब नई पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हो रहा था, पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर जिसने पार्लियामेंट भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, वो आपका भाई आपके सामने खड़ा है। और जिसने जब विनेश को ओलंपिक में खेलने नहीं दिया, जिसने लोकसभा के अंदर सरकार का बाजा बजाया, वो आपका भाई था, दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं बजाया था। मैं आपकी धरती पे बातें बताने इसलिए आया हूं कि इन्हें लो आज निश्चित रूप से हरियाणा की सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। इन्हें लो जिसने आपकी सेवा करी, चौधरी देवीलाल जी की बनाई पार्टी। और मैं अभय सिंह जी को धन्यवाद इस बात का दूंगा कि सत्ता तो इनके इर्द गिर्द घूमती रही, ये जब चाहते सत्ता में चले जाते, लेकिन इन्होंने कहा कि चौधरी साहब का जो सपना था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लड़के नए हरियाणा को विकास के नए आयाम, नई ऊंचाइयां, इसको लेकर इन्होंने प्रयास किए। मैं आज हरियाणा के अंदर मेरी तमाम जो नेता उनसे बात होती टेलीफोन पे मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान अगर किसी किसान नेता का है, किसी पार्टी के नेता का है, तो चौधरी अभय सिंह जी का सबसे ज्यादा सम्मान हरियाणा के किसान और किसान के बेटे करते हैं, क्योंकि इनकी एक ही बात है, ये जो कह देते हैं वो करते हैं, और जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का होता है उसी की वैल्यू है। जो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, उनको अब लोग मानते नहीं, आप सारी बातें जानते हो। भाइयों, इन्होंने मुझे कहा कि 44 है तो इसमें 45, तो 45 में अब अभय सिंह जी की मदद करोगे कि नहीं करोगे? मदद करनी है। वैसे 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 45 से भाई पवन बेनीवाल जी ने अभी संबोधन दिया, मजबूती के साथ साथ खड़े, और जब हेलीकॉप्टर लैंड किया था तो बहुत से बच्चे आए थे दौड़ते हुए, और उन्होंने कहा कि अभय सिंह जी के साथ हैं, उनको ही वोट देंगे। मेरी इच्छा तो थी मैं हेलीकॉप्टर को आपके ऊपर से घुमाऊं, लेकिन थोड़ा 3-4 किलोमीटर दूर हेलीपैड था। और आज चुनाव परिणाम, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है 6 बजे, और आखिरी दिन आज मैंने हरियाणा के अंदर, जब मैं वहां बाडड़ा के अंदर उतरा, हरियाणा की धरती को मैंने नमन किया, चूमा, और देश को संदेश दिया। हरियाणा वो प्रांत है जहां महाभारत हुई थी और महाभारत अग्रियां हुई थी। याद रखो, महाभारत वाले लोग अपने ही लोग थे, वो अपने ही समाज के लोग थे, ज्यादातर इतिहास ने नहीं लिखा। हम लड़ते थे, लिखने पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारे इतिहास को दबाया गया। लेकिन आज भी जब आवश्यकता पड़ी, प्रधानमंत्री को ललकारा, तीनों बिलों के खिलाफ सड़कों पर आए, 750 की शहादत दी, तो पंजाब, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर, जब ये आंदोलन नहीं चल रहा था, तब इस राजस्थान के अंदर आंदोलन का बिगुल बजा के अगर देश के नौजवानों को एक मंच पे लाके प्रयास किया, तो आपके भाई ने मजबूती के साथ प्रयास किया। मैं आपके बीच आह्वान करता हूं कि अभय सिंह जी को जिस तरह आपने 4 बार विधायक बनाया एलनाबाद हल्के से, आप 5वीं बार भी भारी वोटों से जीताओगे। आपका जोश और जुनून देख के ऐसा लग रहा कि आपने मन बना लिया कि अभय सिंह जी को आप चंडीगढ़ भेजोगे, और भारी वोटों से अगर भेजोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और बेटे को भी रानिया सीट से
भारी वोटों जीता के भेजना है। सोशल मीडिया के माध्यम से रानिया के अंदर भी मेरे छोटे भाई जो मेरा भाषण सुन रहे हैं, अगर मुझे अपना भाई मानते हैं तो आप मदद करेंगे। मैं तो हरियाणा के अंदर वोट की अपील करने पहली बार आया हूं, बड़ी पंचायतें नहीं करता मैं। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी के वोट मांगने में गया था, जब मेरी पार्टी नहीं थी खुद की। जहां भी किसान कौम दिखती है, जहां हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहां हमारे लोगों की आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए कि चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री कितनी बार नहीं बनने दिया इन पार्टियों ने। वो तो आपका आशीर्वाद था, हिम्मत थी, वो सीएम बने और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दूंगा। उस समय वीपी सिंह जी तो नाम के प्रधानमंत्री थे, ग्रीन ब्रिगेड से लेके बिहार तक जो हवा बनाई अजगर का नारा देके, जिस तरह देश को एक करके और सत्ता को उखाड़ फेंका। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने लंबे समय तक चौधरी साहब को काम नहीं करने दिया और चौधरी साहब भी जिद के पक्के थे। उन्होंने कहा ऐसी सत्ता के मैं साथ में रहता। अंतिम समय तक उन्होंने किसान कौम की सेवा की और उसी का परिणाम है कि इनके परिवार से मजबूत जो परिवारजन है वो आपकी सेवा कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।